अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि गवर्नमेंट क्या होती है और गवर्नमेंट कहां से आई और गवर्नमेंट कैसे हो गया जैसे आजकल है. इसकी मेरे पास इस वक्त सही रिसर्च नंबर्स नहीं हैं, बट आई विल गिव यू एक जनरल में ओवरऑल ओवरव्यू बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट से हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई हैं बहुत ज़्यादा, कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए ये करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी, गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेगी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं. गवर्नमेंट जो होती है, और ज़्यादातर जो लोग हैं दुनिया में रहते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट देखी होती है, और उन्होंने अपने अब्बाओं से और अपने वालदैन से और अपने माशरे से ये सुना होता है कि गवर्नमेंट का ये काम है करना. और गवर्नमेंट को और हम सुनते हुए बड़े हो जाते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो टीवी हो, गवर्नमेंट के बारे में हम सुबह से शाम तक बात करते रहते हैं कि ये गवर्नमेंट का ये काम था उसने नहीं किया, गवर्नमेंट का ये काम था उसने नहीं किया, और कॉन्स्टेंटली हम गवर्नमेंट के ऊपर खिंचाई करते रहते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है और कहाँ से आई. मेरी एक किताब है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी करवाऊँ. उसका नाम है सेपियंस. वो हिस्ट्री है इंसानियत की, कि इंसान जो है वो कहाँ से आया और कैसे यहाँ तक पहुँचा. तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि ये गवर्नमेंट्स का सिस्टम और आज हम जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो कैसे हैं. तो मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि आप गवर्नमेंट पे रिलाई करना छोड़ दें और अपने हाथों से चीज़ों को ठीक करें. तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भई ये तो गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट अगर अपना काम नहीं करेगी तो हम कैसे कर सकते हैं और हम तो कुछ भी नहीं है. तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये क्यों कहता हूँ. गवर्नमेंट जो होती है वो हम इलेक्ट करते हैं बेसिकली पॉलिसी बनाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए. गवर्नमेंट के मुख्तलिफ कस्में होती हैं. सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है, सेकुलर गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. एक गवर्नमेंट का स्टाइल है जो कि चाइना में है, एक गवर्नमेंट का स्टाइल है जो कि अमरीका में है, रशिया में था. गवर्नमेंट इट्सेल्फ इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. और जो अगर आप गवर्नमेंट का स्टाइल लें तो पहले किंगडम्स होते थे, वो भी गवर्नमेंट होती थी, फिर खिलाफत होती थी, वो भी किंगडम्स की तरह से बाद में बन गए, वो भी गवर्नमेंट होती थी, और उसके अंदर एक हाकिम होता था और बाकी महकूम होते थे और हम उनकी रियाया होते थे और हम उनकी बात मानते थे. जब इंसान जो है वो बड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कबीले बड़े हुए तो उन्होंने अपनी ताकतों को डेलीगेट कर दिया, बड़ों को दे दिया कि जी अब आप हमारे कंट्रोल करें, अब आप हमें बताएं कि हम क्या करें, आप हमारे बड़े हैं. आहिस्ता 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 हमने अपनी तमाम ताकतें जो हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में दे दी, और अब हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में चली गई बहुत सारी जगहों पर. और हम अब परेशान होते हैं कि ओहो ये हम कैसे करें, ये तो गवर्नमेंट का काम है करने का. पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन जब तक नहीं हुई थी तो बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और चीज़ें थी वो सब प्राइवेट लोग चलाते थे. और फिर भुट्टो साहब के दौर में ये जब इसको हमने नेशनलाइज किया चीज़ों को तजुर्बा करने के लिए, तो बहुत सारे जो इदारे थे वो ख़त्म हो गए. और क्योंकि लोगों को तनख्वाहें मिल रही होती थी, कंपटीशन ख़त्म हो गया था, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमारी डाउन चली गई. और आज आप सबके सामने हैं चीज़ें कि हर चीज़ गवर्नमेंट खुद करने की कोशिश करती है वो कर नहीं पाती.